हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक। दोस्तों अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करते हैं बट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि फॉर्मूला क्या लिखें या फिर कैसे लिखें या फिर आपको जो काम करना हो उसके लिए आपको फॉर्मूला तो पता ही नहीं है, इन दैट केस अब आप इजीली ये काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ दोस्तों, आजकल बहुत सारी AI बेस्ड वेबसाइट्स मार्केट में अवेलेबल हैं बट आपको उन वेबसाइट्स का यूज नहीं करना है। हम विद इन द एक्सेल एक ऐसी ट्रिक को अपनाएंगे जिसका यूज करके आप किसी भी प्रकार का कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको फंक्शंस का नॉलेज नहीं है तब भी आप ये काम इजीली कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं एक्सेल में AI का यूज करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। बट बिफोर दैट, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ इस प्रकार का डेटा है और इस डेटा में जैसे अगर आपसे ये क्वेश्चन किया गया कि कितने बच्चे हैं जो पास हुए हैं या फिर कितने बच्चे हैं जो फेल हैं, तो आपको वन बाय वन इस पूरे डेटा को सरपास करना पड़ेगा और काउंट करना पड़ेगा कितने पास हैं और कितने फेल हैं। जब तक ये डेटा छोटा है यहाँ यानी कि 30 से 40 एंट्रीज हैं तो आप इजिली काउंट कर सकते हैं, बट जब ये डेटा बल्की हो जाएगा यानी कि इसमें हजारों एंट्रीज होंगी, इन दैट केस ये काम काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और अगर आपको ये आइडिया नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें या कैसे यूज़ करें, अब आप यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में AI का। यूज़ AI इन एक्सेल, आपको जाना होगा इंसर्ट, एडिंस, एडिंस में आ जाएंगे स्टोर, और स्टोर में आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना होगा AI एडेड फॉर्मूला। सिंपली से सर्च कर लें AI एडेड फॉर्मूला और आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा AI एडेड फॉर्मूला एडिटर, जो कि है GPT-4 पावर्ड AI फीचर्स, यानी कि एक GPT टूल का यूज़ करेगा और उसके बाद आपको एक फॉर्मूला क्रिएट करके देगा। तो मैं सिंपली इस पर क्लिक कर लूँगा और क्लिक करेंगे ऐड, आई अग्री एंड कंटिन्यू, और ऐड करते आप देखेंगे ये आपके एक्सेल में इनबिल्ट हो जाएगा यानी कि एक्सेल के साथ ऑटोमेटिकली ये अटैच हो जाएगा और आप इसका यूज़ करके कोई भी फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ऐड हो चुका है और हमारे फॉर्मूला बार में आ चुका है AI एडिट फॉर्मूला एडिटर। सिंपली आप क्लिक कर लें AI एडिट फॉर्मूला एडिटर और यहाँ पर आपको इसका एक ऑप्शन बॉक्स या फिर डायलॉग बॉक्स देखने मिल जाएगा जिसमें आप इजीली कोई भी फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने मिलेगा AI जनरेटर या सेल्फ फॉर्मूला। ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे AI जनरेटर चाहिए क्योंकि मुझे नहीं पता कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा। एंड नॉट ओनली दिस, आप चाहें तो इसमें इंग्लिश या हिंदी जैसी भी चाहें अपनी क्वेरी दे सकते हैं और ये आपको अपना काम करके देगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये काउंट करना चाहता हूँ कि इस पूरे लिस्ट में कितने स्टूडेंट्स हैं जो कॉमर्स के हैं या फिर कितने स्टूडेंट्स हैं जो साइंस के हैं, यानी कि आपको काउंटिंग करनी है। हालांकि यहाँ पर पूरा डेटा सॉर्टेड है, अगर ये डेटा सॉर्टेड ना हो इन दैट केस ये काफ़ी हेक्टिक काम हो जाता है कि आप काउंट कैसे करेंगे। तो चलिए इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला क्रिएट कर लेंगे। एंड फॉर्मूला जैसे कि हम देख सकते हैं एंट्रीज की हुई है यहाँ पर H3 से लेकर H36 तक, तो हमें ये तो पता है कि रेंज क्या है इसकी। एंड फॉर दैट मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा H3 से H36 तक कितने स्टूडेंट्स आर्ट्स के हैं। तो ये एक नॉर्मल क्वेरी है हिंदी में, H3 से H36 तक कितने स्टूडेंट्स आर्ट्स के हैं। मैं क्लिक करूँगा सबमिट और सबमिट करते ही विद इन सेकेंड्स ये आपको एक फॉर्मूला जनरेट करके देगा। एंड फॉर्मूला बन चुका है यहाँ पर, इस फॉर्मूले को आप कॉपी कर लें और अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि रिजल्ट इस सेल में डिस्प्ले हो, तो इस सेल में क्लिक करें, जाएंगे फॉर्मूला बार में, इसे पेस्ट कर लें एंड एंटर, एंड सी आर्ट्स के 17 स्टूडेंट्स हैं। इसी प्रकार से अगर मैं चाहूँ कि साइंस के कितने स्टूडेंट्स हैं तो सिंपली मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले में चेंज कर लूँगा H3 से H36 तक कितने स्टूडेंट्स साइंस के हैं। अगेन मैंने सबमिट किया और सबमिट करते ही यहाँ पर इसका भी फॉर्मूला क्रिएट हो चुका है, इसे भी कर लेंगे कॉपी, इस सेल में आके फॉर्मूला बार में जाएंगे एंड पेस्ट, एंड सी 7 स्टूडेंट्स हैं जो साइंस के हैं। तो यहाँ पर अगर आपको नॉलेज नहीं है कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा कैसे यूज़ होगा तो वो काम ये आपको करके देगा। जैसे कि काउंट इफ, काफ़ी कम ही लोग हैं जो इस फंक्शन के बारे में जानते होंगे, एंड ऑब्वियसली जब आपको नहीं पता तो आप यूज़ कैसे कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट इसी प्रकार से अगर मैं एक क्वेरी इंग्लिश में देना चाहूँ एंड इंग्लिश में मेरी क्वेरी होगी ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें थ्योरी में 33 से कम मार्क्स मिले हैं, एंड अगेन मेरी रेंज वही है बट इस बार कॉलम चेंज है E3 से E36 तक। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश में क्वेरी टाइप कर लूँगा, तो काउंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम E3 टू E36 हू सिक्योर्ड लेस देन 33 मार्क्स एंड सबमिट, एंड सी यहाँ पर अगेन एक फॉर्मूला क्रिएट हो चुका है, इसे कर लूँगा कॉपी, इसी सेल में जाएं वहाँ जाकर इसे पेस्ट कर लें एंड एंटर। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टूडेंट है जिसे 33 से कम मार्क्स मिले हैं। नॉट ऑनली दिस, आप चाहें तो अगेन इस क्वेरी को हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं। इवन अगर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स टास्क करना हो या फिर इजी से इजी काम करना हो
वो भी आप इजीली कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक इजी टास्क कर रहा हूँ, E3 से लेकर E36 तक, यानी कि सभी के मार्क्स को सिंपली ऐड करना है। तो आप चाहें तो यहाँ लिख लें ऐड नंबर्स फ्रॉम E3 टू E36, कुछ इस प्रकार से ऐड नंबर्स फ्रॉम E3 टू E36 एंड सबमिट। और यहाँ पर आपको एक सम का फॉर्मूला इजीली क्रिएट करके देगा, सम E3 टू E36, और आप इसे कहीं पर भी पेस्ट करके किसी का भी सम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेरी यहाँ पे चला लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी सबका रिजल्ट बना हुआ है, मैं इसे कर लूंगा डिलीट। और अब अगेन मैं यहाँ पे रिजल्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, और मेरा रिजल्ट अगर कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप से है, यानी अगर किसी स्टूडेंट को प्रैक्टिकल में 23 और थ्योरी में 10 मार्क्स मिले हैं तो ही वो पास हो, एल्स वो फेल हो जाए। तो उसके लिए एक क्वेरी बनानी पड़ेगी मुझे, और वो क्वेरी होगी मल्टीपल इफ यूज करके, या फिर इफ और एंड का एक कॉम्बिनेशन करके। ऑब्वियसली जो भी एक नॉन प्रोग्रामर है उसके लिए ये क्रिएट करना थोड़ा मुश्किल होगा। इन दैट केस आप यूज कर सकते हैं अगेन इस टूल का। अब यहाँ पर मेरी जो क्वेरी है वो ये है कि D3 में कम से कम 23 होना चाहिए और F3 में कम से कम 10 होना चाहिए। मेरी क्वेरी मैंने कुछ इस प्रकार से क्रिएट की, अगर D3 में 23 या उससे ज्यादा है और F3 में 10 या उससे ज्यादा है तो पास। और सिंपली मैंने क्लिक किया सबमिट एंड सी द फॉर्मूला। यहाँ पे एक फॉर्मूला क्रिएट हो चुका है यूजिंग इफ एंड। तो इस फॉर्मूले को मैं सिंपली कॉपी कर लूंगा, यहाँ इस सेल में क्लिक करेंगे और जाएंगे फॉर्मूला बार में। आप इस फॉर्मूले को पूरा देख सकते हैं और प्रेस करेंगे एंटर, ये स्टूडेंट हो चुका है पास। और इस फॉर्मूले को भी अगर हम एक बार रीड आउट करें, इफ एंड D3 इज ग्रेटर देन 23, यानी कि D3 में 23, और क्योंकि मैंने लिखा था 23 या उससे ज्यादा है, तो यहाँ पर इसने फॉर्मूला में क्रिएट किया ग्रेटर देन और इक्वल टू 23, उसी टाइप से ग्रेटर देन इक्वल टू पास। और अगर आप चाहें कि इसमें एक और कंडीशन लग जाए, अगर इससे कम हो तो फेल, तो आप इसी में चेंजेस कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं इस फॉर्मूले को ड्रैग करता हूं कुछ इस प्रकार से, तो हम देख सकते हैं जितने बच्चे पास हुए हैं उन सब के सामने तो पास लिखा हुआ है, लेकिन जो फेल हुए हैं वहां पर इसने ब्लैंक छोड़ दिया। तो ऐसे में हमें इसे इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत होगी, और उसे इम्प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा वर्ड और ऐड करेंगे। अब क्वेरी हो गई, अगर D3 में 23 या उससे ज़्यादा है और F3 में 10 या उससे ज़्यादा है तो पास, नहीं तो फेल। और अगेन मैंने क्लिक किया सबमिट, और ये पूरी क्वेरी क्रिएट हो चुकी है। मैं फिर इसे कॉपी कर लूँगा और फिर से यहाँ आके पेस्ट कर लेंगे एंड एंटर। और एंटर करते ही ये अगेन पास हो चुका है। और अब अगर मैं इसे ड्रैग करता हूँ एंड सी, पास पास फेल फेल, तो इस प्रकार से ऑटोमेटिकली इसने क्रिएट करके दे दिया कितने स्टूडेंट्स पास हैं और कितने स्टूडेंट्स फेल हैं। तो ये हो गई एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी। एंड नॉट इवन दिस, आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेरीज इजिली क्रिएट कर सकते हैं इस AI एडेड फॉर्मूला एडिटर से। तो दोस्तों आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा और कुछ नया और मीनिंगफुल देखने मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।